Wow, this is beautiful. Butterflies in your tummy, huh? Actually, it's beyond imagination for me. नई जिंदगी, नई नौकरी. नई नौकरी? करण के ऑफिस के पास ही इयोन आईटी पार्क में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही हूँ. आस पास रहेंगे तो बेटर है ना? वो तो क्या कहती है, बियॉन्ड इमेजिनेशन. नहीं हो सकता पापा, बस मैं कभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है. अब तो हमारे पड़ोस में, हमारे बगल वाले घर में चोरी हो जाती है. आप कुछ सोचेंगे कि नहीं? अरे भाई, तभी तो बाहर सीसीटीवी लगवा रहे हैं. ये सीसीटीवी लगाने से क्या सिक्योरिटी की गारंटी हो जाती है? माहौल देख रहे हैं बाहर का क्या चल रहा है. माहौल क्या बुरा है माहौल में? पापा, बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बात एनवायरमेंट की है, बात फैसिलिटीज की है. हम मायरा को देख लीजिए, उसे खेलने के लिए आपको हर रोज 2 किलोमीटर दूर पार्क में लेके जाना पड़ता है. क्यों? वो यहाँ क्यों नहीं खेल सकती? क्योंकि यहाँ घर के सामने सड़क है, इसलिए उसके कोई दोस्त भी नहीं बनते यहाँ पर. मुझे और मीरा को रोज ऑफिस आने जाने में कितना टाइम लगता है? एक फैसिलिटी नाम की चीज नहीं है, और से चोरी चकरी नहीं हो गई है. बाबा, ऐसे नहीं चलेगा. बस तो फिर कैसे चलेगा? मैं कब से कह रहा हूँ कि हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं. बैंगलोर में ना करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है. वहाँ का जो एनवायरमेंट है ना, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है. मेरा का बचपन पनप सकता है वहाँ पर. अगर उन माचिस के डब्बों को तो घर कहता है तो मैं यहीं खुश हूँ. तुझे याद नहीं तेरी आई क्या कहा करती थी? घर परिवार से बनता है, परिवार से. पापा, हर बात में आई को बीच में क्यों ले आते हैं? मतलब उनसे बात करना अब तो मुश्किल क्यों होता जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा मुझे. हाँ, पूछो पूछो बेटा. भाभी हमारे साथ बैंगलोर आओगे ना? वो क्या है कि अरे आनंद अंकल और तुम्हारी दोस्त आ गई. चलो चलो चलो. हाँ बेटा बोलो. मैं सोच रही थी क्यों ना हम यहीं पुणे में ही एक घर देखे, तो जहाँ सारी एमिनिटीज हो, हमारे ऑफिस के पास भी हो और लोकेलिटी भी अच्छी हो. ये कुछ ऑप्शंस है बेटे. ये दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और. ये एक समझौता सा होता है बेटा. अगर लोकेशन अच्छी हो तो फिर जो कीमत होती है वो आसमान को छूती है. और अगर कीमत सही हो तो फिर उसके बदले में देते हैं डब्बे. और बेटा डिलीवरी भी बहुत देरी से करते हैं ये लोग. और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं बेटा. अब आप ये देखो, इसके आनंद के बेटे के लिए अपने कितनी जगह देखी थी है? सब बेकार. तुम मेरी बात मानो बेटा, तुम बेंगलोर चले जाओ बेटा. मैं यही ठीक हूं. मैडम, एक्चुअली फर्स्ट राउंड इज क्लियर्ड. जस्ट वन मोर राउंड एंड वी ऑल सेट फॉर बैंगलोर. मीरा, सो मेरे फेयरवेल के लिए, मेरी न्यू जॉब के लिए और मेरी एंगेजमेंट के लिए, तीनों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है. यू हैव टू कम विद योर फैमिली. हां ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस. पर इतनी जल्दी? यस. गेस व्हाट? व्हाट? मैंने पास में एक नया घर भी बुक कर लिया. वाव, रियली? एंड इट्स ह्यूज, लाइक इट्स सो लग्जूरियस एंड फ्यूचरिस्टिक. हां, एंड विद हीटेड पूल एंड ऑल. मैं तो कहती हूं तू भी उधर ही आ जा. ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. And of course, the lifestyle is beyond imagination.
खुशियां जब हो जाती है गुमशुदा, मुस्कुराहटे ही है तू ढूंढता। नीयत में है तेरे एक नई रोशनी, बढ़ता जा तू डोर टूटे ना कहीं। खुशियों की होगी फिर सुबह, 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 खुशियों की होगी फिर सुबह। हाँ हेलो आनंद, यार तू हर बार वही दिखाता है और वही निकलता है। कल ना? हाँ ठीक है चलते। अरे वाह, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है ये बेटे? इतना बड़ा गार्डन होता है क्या? जी दादू होता है ना, ये देखो। हाँ मीरा कहाँ हूँ? एक्चुअली अदिति के लिए गिफ्ट खरीद रही हूँ, उसकी पार्टी है ना कल। पार्टी है? किस खुशी में? एक नहीं तीन तीन खुशी में। तीन तीन खुशी? हाँ, पहली तो उसकी एंगेजमेंट, दूसरी उसने नया घर बुक किया है, और तीसरी उसकी नई जॉब के लिए, वो भी पुणे में, बैंगलोर के मुकाबले 35% हाइक पे। बैंगलोर के मुकाबले 35% हाइक पुणे में? हाँ, इयॉन आईटी पार्क खराड़ी में। अच्छा मैं बस निकल रही हूँ। ओके लव यू बाय। मामा का ड्रेस का कलर आपके ड्रेस का कलर सेम सेम, वी आर ट्विनिंग। अच्छा सुनो, मैं अदिति के यहाँ मायरा को लेकर जा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है? उस रोज मेरी एक मीटिंग है, मैं वापसी में तुम दोनों को पिक कर लूँगा। चल बाय। हाय। अच्छा पापा चलता हूँ। पापा आप भी कहीं जा रहे थे ना? बेटे वो आनंद का कुछ काम है, वो मुझे लेने आ रहा है। अच्छा दादू को बाय बोलो। ये 150 एकड़ टाउनशिप एक प्रीमियम और एक्सक्लूसिव गेटेड कम्युनिटी है। इन फैक्ट देयर इज कनेक्टिविटी ऑन ऑल फोर साइड्स, जो कि लग्जूरियस और फ्यूचर रेडी भी है। इन फैक्ट बच्चों के लिए देयर आर 6 प्रोफेशनल एकेडमीज जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इजंट इट बियॉन्ड इमेजिनेशन? पापा इससे बेहतर कुछ नहीं, 3 acres का तो अमेनिटी स्पेस है और इंटीरियर्स भी शानदार है, होम ऑटोमेशन भी, मतलब फ्यूचरिस्टिक और सेफ्टी भी। ऊपर से पुणे का नंबर 1 डेवलपर है, मतलब भरोसेमंद तो है ही। मैं तो कहता हूँ बुक कर देते हैं। हाँ और इनका ये जॉगिंग ट्रैक और जिम देखो कितना बड़ा, और हमारे यहाँ का इतना सा है, जरा सा कुछ किया तो सामने वाले को धक्का लग जाता है। तो क्या कहते हैं मनोज भाई, ले लो? सोचते हैं। पापा आपसे कुछ बात करनी है। कब जा रहे हैं बैंगलोर? पापा वो गेट टुगेदर से वापस आते वक्त हम दोनों ने एक प्रॉपर्टी देखी और हमें बहुत पसंद आया तो हमने बुकिंग कर दिया। अब प्लीज एक बार देखिए ना। रवि बुकिंग रिसीट दिखाओ। आई कहती थी ना कि घर परिवार के बिना घर नहीं होता। हुँ?
तो फिर बेटे इसका क्या होगा? आओ मेरे पास। वीटीबी लेके आया है यूफोरिया, जहां जिंदगी खुल के मुस्कुराएगी और खुशियां बढ़ती ही जाएंगी। वीटीबी यूफोरिया, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस।